प्रधानमंत्री ने लोगों से #IndiaSupportsCA का इस्तेमाल करते हुए नागरिकता संशोधन कानून के प्रति अपना समर्थन जताने का किया आग्रह। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू। छत्तीसगढ़ में सिंचाई साधनों के विस्तार के लिए बनेगा सिंचाई विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री ने दिए आदेश। और प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी, मैनपाट जशपुर सहित उत्तरी इलाकों में बिछी बर्फ की चादर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे #IndiaSupportsCA का इस्तेमाल करते हुए नागरिकता संशोधन कानून के प्रति अपना समर्थन दर्शाएं। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि यह कानून पड़ोसी देशों में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है, न कि किसी की नागरिकता समाप्त करने के बारे में। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में सद्गुरु का एक वीडियो लिंक साझा किया है, जिसमें इस कानून के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। CAA is too little compassion coming too late. Because the atrocities that they have gone through, there are statistics saying that this many 100 temples, now there are only this many, because systematically it has all been demolished so that there is no places of prayer or worship for other religions. This is happening for all religions, not for any one specific religion, because the fundamental belief is that the nation belongs to one religion. That is not the case with India, fortunately. श्री मोदी ने कहा है कि यह वीडियो ऐतिहासिक संदर्भ और हमारे भाईचारे की शानदार संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसमें स्वार्थी तत्वों से लोगों को गुमराह नहीं होने की भी बात कही गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वहीं इसके समर्थन में भी लोग सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस कानून का लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। कोंडागांव में नागरिकता संशोधन अधिनियम समर्थक समिति के साथ सर्व समाज ने सभा का आयोजन किया। इस दौरान कानून के जानकारों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस अवसर पर रैली में शामिल लोगों ने अधिनियम के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। नागरिक संशोधन अधिनियम के समर्थन में आज दुर्ग में भी रैली का आयोजन किया गया। सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यह रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए पटेल चौक स्थित जिलाधीश कार्यालय के पास समाप्त हुई, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सांसद विजय बघेल ने बताया कि नागरिक संशोधन अधिनियम किसी समुदाय विशेष की नागरिकता समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। समर्थन में रैली निकालने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कुछ असामाजिक तत्व, कुछ विपक्षी पार्टी के लोग, खासकर कांग्रेस पार्टी के लोग इसको दिमगवित करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी बात को लेकर जो जगह जगह ये लोग संशोधन विधेयक बिल के विरोध में रैली निकाल रहे हैं, उनके विरोध में हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बिल में किसी को किसी की नागरिकता छीनने की नहीं, नागरिकता देने की बात ये कानून में है, ये हम बताना चाह रहे हैं। इस अवसर पर विधायक विद्यारतन भसीन सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए 6 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जाँच 7 जनवरी को की जाएगी। अभ्यर्थी 9 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 3 चरणों में 28 जनवरी, 31 जनवरी और 3 फरवरी को मतदान होगा। प्रदेश में पंचायत आम चुनाव के तहत 1,60,725 पंच, 11,664 सरपंच, 2,979 जनपद सदस्य और 400 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इसके लिए प्रदेश भर में 29,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव में 1,44,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। चुनाव के लिए आयोग द्वारा 1,520 क्लस्टर बनाए गए हैं। मतों की गणना मतदान के बाद मतदान केंद्रों में ही की जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आराम से संभाल के। हाँ, देख रहे हो हीरालाल को, खेती से ये शान है। कोई तो मदद करता होगा। हाँ, मेरा बैंक। बैंक? वो कैसे? बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर छोटी खरीदारी और फसल के लिए लोन पाना आसान बनाया। किसान क्रेडिट कार्ड से मैंने खेती से संबंधित सभी आवश्यक निवेश और खर्चों को पूरा किया, और वो भी बगैर कैश लेन देन से। इस खाते का नवीकरण भी आसान है। फिर तो रोज बैंक जाते होगे। बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सावधानी से सभी लेन देन डिजिटल यानी फोन से या कार्ड से हो जाते हैं। ये लेन देन करते समय इस बात का ध्यान रहे कि आप अपना OTP, पिन, CVV किसी को ना बताएं। खाता खोलेंगे, बैंक से नाता जोड़ेंगे। RBI कहता है, जानकार किसान समृद्ध किसान। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है, अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ के किसानों को सिंचाई सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल सके, इसके लिए प्रदेश में सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंचाई विकास प्राधिकरण के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में वास्तविक सिंचाई क्षमता 10.38 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल कृषि भूमि का 18% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई साधनों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सिंचाई साधनों के तेजी से विकास के लिए मिशन मोड में कार्य करना आवश्यक है, इसलिए सिंचाई विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में गठित छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम CIDC का वर्तमान में अपेक्षित उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए CIDC को ही सिंचाई विकास प्राधिकरण में परिवर्तित किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 57 लाख हेक्टेयर है, जबकि वर्तमान में वास्तविक सिंचाई क्षमता केवल 10,38,000 हेक्टेयर ही हो पाई है। यह प्राधिकरण प्रदेश में वास्तविक सिंचाई क्षमता के विस्तार के साथ ही नई सिंचाई योजनाओं की कार्य योजना बनाएगा, ताकि किसानों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ में अब हर साल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा। यह आयोजन राज्योत्सव के साथ होगा। राज्योत्सव कुल 5 दिनों का होगा। इसमें पहले 2 दिन राज्य के स्थानीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, वहीं शेष 3 दिन राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन अवसर पर यह जानकारी दी। तो 2 दिन हमारे राज्योत्सव मनाबो, हमारे स्थानीय कलाकार मौका देवो और
तीन दिन राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव नित महोत्सव मत करो, तीन दिन तक के दिन है दिन चली, दो दिन हमर यहाँ की स्थानीय कलाकार मल्ल और तीन दिन फिर पूरा देश के कलाकार, पांच दिन के राज्योत्सव हुई और में हमर आदिवासी नृत्य महोत्सव की घोषणा में करा था, अगले साल भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में पहली बार देश विदेश के कलाकारों ने एक साथ मंच साझा किया है। तीन दिवसीय महोत्सव में बड़ी संख्या में आदिवासी कलाकारों ने अपनी कला और संस्कृति को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। महोत्सव में देश विदेश की जनजातीय संस्कृतियों को करीब से जानने का लोगों को मौका मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश विदेश से आए कलाकारों से ग्रीन रूम में मुलाकात कर उनकी शानदार प्रस्तुति की प्रशंसा की। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए धमतरी जिले के ग्राम पोटियाडीह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उद्यानिकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने किसानों के बीच रहकर उनके कार्यों का अनुभव प्राप्त किया। उद्यानिकी महाविद्यालय के प्राचार्य आर के पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई के दौरान अर्जित ज्ञान को किसानों के बीच रहकर उनके साथ साझा किया। साथ ही विद्यार्थियों ने किसानों को खेती किसानी की समस्याओं को दूर करने के बारे में भी नई तकनीक और उपायों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे छात्र तीन साल तक सैद्धांतिक पढ़ाई महाविद्यालय में करते हैं, उस सैद्धांतिक पढ़ाई और प्रायोगिक कार्य की जो तकनीकी जानकारी ग्रहण की है, वह जानकारी इस ग्राम में 6 महीना रहकर सभी छात्र के एक एक होस्ट फार्मर के साथ मिलकर ये तकनीकी ज्ञान और किसानों के अनुभव के बीच समन्वय स्थापित कर किसानों के तकनीकी रूप से उनको समृद्ध बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। इस मौके पर विद्यार्थियों ने मॉडल के जरिए नई तकनीक के बारे में किसानों को बताया। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन होता है ग्रीन हाउस गैसेस, CFC, HFC, CO2, मीथेन, ये सारे गैसेस जो होते हैं हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा एक सुरक्षा लेयर होता है जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं, उसमें छेद होते जा रहा है। उसका मेन रीजन है अर्थ में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जिसके कारण हमारा पृथ्वी का जो बैलेंस है वो पूरा बिगड़ता जा रहा है, इससे हमारे जानवर भी मर रहे हैं। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल किसानों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इससे प्रदेश के उत्तरी इलाके में रात का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। उत्तर भारत की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के उप महानिदेशक मोहन लाल साहू ने बताया कि उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। शीतलहर चल रही है पूरे मध्य भारत में भी और उत्तर भारत में। दूसरा है कि कोल्ड डे भी चल रहा है, तो कोल्ड डे जो है उसमें ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि दिन का भी तापमान जो है औसत से 5 से 6 डिग्री नीचे चल रहा है, तो दिन भर ठंडी हवाएं चलेगी। प्रदेश के मैनपा, जशपुर, बगीचा क्षेत्र में ठंड की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। आसपास के इलाकों में तापमान 1 से 2 डिग्री के करीब पहुंच गया है और सुबह क्षेत्र में बर्फ की चादर बिछने लगी है। पंडरापाट क्षेत्र में भी खेतों में बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में शीतलहर की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों को समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि वे स्वयं महत्वपूर्ण स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था का निरीक्षण करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि रैन बसेरा नाइट शेल्टर में पर्याप्त मात्रा में कंबल, चादर और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहे। प्रदेश में शीतलहर के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि न हो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने लोगों से #IndiaSupportsCAA का इस्तेमाल करते हुए नागरिकता संशोधन कानून के प्रति अपना समर्थन जताने का किया आग्रह।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू। छत्तीसगढ़ में सिंचाई साधनों के विस्तार के लिए बनेगा सिंचाई विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री ने दिए आदेश। और प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी, मैनपाट, जशपुर सहित उत्तरी इलाकों में बिछी बर्फ की चादर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।